एंशियंट ओएस वर्जन 5.4। तो है गाइस, उमेश हियर फ्रॉम टेक मेंटर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एंशियंट ओएस जो है उसके बारे में बताने वाला हूँ, जो कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है इस रोम में और काफ़ी आपको नए जो फीचर्स हैं आप देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इसमें गेमिंग परफॉर्मेंस और सेफ्टी नेट, बैंकिंग एप्स वर्क करते हैं या नहीं, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ इसके यूआई और एनिमेशन की। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको इस प्रकार का कुछ ये जो है यूआई यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको इन और आउट का यहाँ पे आपको एनिमेशन देखने को मिलता है। जैसे ही आप ड्रॉवर को अप करते हो तो यहाँ पे इन और जो आउट है एनिमेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। बात करते हैं इसके स्टेटस बार की, तो स्टेटस बार आपको बिल्कुल चेंज देखने को मिलता है इस रोम के अंदर, जो कि बिल्कुल आपको वाइट जो कलर है उसके अंदर आपको मिल जाता है, जो पूरा वन यूआई का फील देता है। बाकी यहाँ पे स्टाइल्स एंड वॉलपेपर, विडजेट्स और एंशिएंट होम ऑप्शन, ये आपको कुछ नए फीचर यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आप होम स्क्रीन को आप कस्टमाइज कर सकते हो, आइकन चेंज कर सकते हो, तो ये कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। बाकी स्टैंडर्ड स्टाइल एंड वॉलपेपर्स की बात करें तो यहाँ पे आप वॉलपेपर वगैरह ऐड कर सकते हो। डिवाइस के अंदर आपको सिर्फ एक वॉलपेपर देखने को मिलता है, जो कि एंशिएंट ओएस का प्रिंस्टॉल्ड जो है वॉलपेपर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। स्टाइल के अंदर आपको डिफॉल्ट जो है स्टाइल देखने को मिल जाती है, आप यहाँ से कस्टम चूज़ कर सकते हो। बाकी आपको ग्रिड के अंदर 3-4 ग्रिड देखने को मिलती है, जो कि आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो दोस्त, यहाँ पे आपको क्लॉक में आपको अलग अलग डिफरेंट प्रकार की क्लॉक्स मिलती है, जो कि आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो, जो भी आप पसंद आए वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्त, अब बात करते हैं इसके प्रिंस्टॉल ऐप्स की, तो कौन कौन से आपको प्रिंस्टॉल ऐप यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो मैंने कुछ थर्ड पार्टी ऐप्स इसमें इंस्टॉल कर रखे हैं, बाकी यहाँ पे आपको गूगल के जो है कुछ इंपॉर्टेंट ऐप्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कैमरा की बात करें तो MIUI का जो कैमरा है, MIUI का जो कैमरा ANX कैमरा, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसके अंदर जो पोर्ट्रेट मोड है, फोटो मोड है और वीडियो मोड है, सारे इसमें परफेक्टली वर्क करते हुए आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी मोर के अंदर बात करें तो यहाँ पे आपको क्लोन मोड और एक्सपोजर, लॉन्ग एक्सपोजर जैसे आपको नए फीचर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ आपको कैमरा में फीचर्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट मैं आपको इस रोम के बात लाऊँ कि सेफ्टी नेट और बैंकिंग ऐप्स। तो सेफ्टी नेट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको सेफ्टी नेट जो है बिल्कुल जो है पास देखने को मिलता है, आप जो बैंकिंग ऐप्स आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको प्ले स्टोर जो है उसके बारे में बता देता हूँ, प्ले स्टोर जो है डिवाइस जो सर्टिफाइड है या नहीं। चलते हैं सेटिंग्स में और अबाउट में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिवाइस जो है यहाँ पे आपको सर्टिफाइड देखने को मिल जाता है। अगले फीचर की मैं बात करने वाला हूँ, जिसके अंदर आपको L1 सपोर्ट देखने को, वाइड वाइन L1 सपोर्ट देखने को मिलता है यानी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिक्योरिटी लेवल है जो आपको यहाँ पे L3 देखने को मिलता है, इसका मतलब है कि आप जो है HD के अंदर OTT प्लेटफॉर्म से कंटेंट नहीं देख पाओगे। इसमें कि अंतुतु बेंचमार्क स्कोर कैसा देखने को मिलता है, जिससे पता चलेगा कि रोम स्टेबल है या नहीं। तो बाकी मैं तो इनको मानता नहीं हूँ स्कोर्स को, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको 2,50,264 जो है स्कोर यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि आपको एवरेज जो स्कोर है यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो मैं इसके बात करने वाला हूँ, इसके जो सेटिंग्स है, तो सेटिंग्स में इसमें बहुत सारा आपको चेंजेस देखने को मिलता है। पहली बात तो इसके अंदर पूरा UI चेंज कर दिया है, तो आप देख सकते हो सेटिंग्स यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे खाली स्पेस सा देखने को मिलता है। बाकी जो है आपको वन UI जो है सैमसंग का डिवाइस उसका जैसे आपको यहाँ पे UI देखने को मिल जाता है, सब कुछ यहाँ पे चेंज देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको कनेक्शंस का है ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपका वाईफाई और हॉटस्पॉट सब परफेक्टली वर्क करता हुआ आपको देखने को मिल जाता है। वाईफाई और हॉटस्पॉट है जो साथ में भी वर्क कर रहे हैं, कोई आपको यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। अगली बात करने वाला हूँ मैं इसके साउंड्स एंड वाइब्रेशन की, तो साउंड और वाइब्रेशन इसमें साउंड बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है, साउंड से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। बाकी आपको वॉल्यूम बार है जो कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है AOSP वाला। नेक्स्ट जो मैं बात कर रहा हूँ इसके नोटिफिकेशंस की, तो नोटिफिकेशन इसमें आपको एंड्रॉयड 11 वाला देखने को मिलता है, जिसमें आपको बबल्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसको टर्न ऑन आप करके आप बबल्स का फीचर इन्जॉय कर सकते हो। बाकी आपको यहाँ पे जो सेटिंग्स है एक्स्ट्रा देखने को मिलती है, जिसमें आपको इंटरफेस, स्टेटस बार, नोटिफिकेशंस, जेस्चर्स, पावर मेन्यू, नेविगेशन बार, एनिमेशंस, बटन, बैटरी और लॉक स्क्रीन, इसके अंदर आपको भर भर के जो है आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं, जो कि अगर मैं आपको एक एक फ़ीचर्स आपको यहाँ पे समझाऊँ तो वीडियो है 1 घंटे से भी ज़्यादा लंबी बन जाएगी।
तो अब बात करते हैं डिस्प्ले की। तो दोस्त डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है डार्क UI। तो यहाँ से आप डार्क थीम को इनेबल कर सकते हो। मैं आपको इनेबल करके दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार का जो डार्क थीम है आपको देखने को मिलता है, जो कि पूरा जो है डार्क कर देता है इस डिवाइस को अंदर। बिल्कुल आपको ब्लैक जो है आपको यहाँ पे डार्क मोड देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो मैं बात करने वाला हूँ, इसमें ब्लर UI का ऑप्शन देखने को मिलता है, बिल्कुल लेटेस्ट। एडेप्टिव ब्राइटनेस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब इसमें बात करते हैं, मेन फुल स्क्रीन ऐप्स का ऑप्शन देखने को मिलता है ही नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन ऐप्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसको आप टर्न ऑन करके आप जो फुल स्क्रीन है, जो भी आपके जो गेम वगैरह है, आप प्ले कर सकते हो। काफ़ी अच्छी बात है, इस रोम में आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बाकी थीम की बात करें तो थीम्स के अंदर आपको वही आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। बैटरी की बात करें तो बैटरी का इंटरफेस आपको बिल्कुल चेंज देखने को मिलता है, और बैटरी बैकअप इसमें मेरे को काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। मैंने इस रोम को 2 दिन तक यूज़ किया है, तो 2 दिन तक मेरे को पूरा 1 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाता है। साथ ही साथ चार्जिंग की बात करते हैं तो 33 वोल्ट जो चार्जर है वो इसमें सपोर्ट कर देता है, आप यूज़ कर सकते हो पोको M2 प्रो के अंदर। सिक्योरिटी के अंदर आपको फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक और ऐप लॉकर जैसे सारे फीचर यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली वर्क करते हुए देखने को मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं इसके जनरल मैनेजमेंट की। तो जनरल मैनेजमेंट के अंदर आपको ये जो OTA अपडेट है, इसका भी आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आप डायरेक्टली यहाँ से OTA अपडेट चेक करके आप डायरेक्टली इसको अपडेट कर सकते हो। बाकी Xiaomi पार्ट्स का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप सॉन्ग्स सुनने के शौकीन हैं तो यहाँ से आप साउंड्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ऑडियो क्वालिटी को चेंजेस आप यहाँ पे प्रीसेट्स को चेंज करके आप ऑडियो आपके हिसाब से सुन सकते हो। अबाउट फ़ोन की बात करें तो यहाँ पे आपको एंशियंट OS जो वर्जन 5.3 मिल जाता है, जिसके अंदर फर्मवेयर इन्फो के अंदर आपको 5 मई का सिक्योरिटी पेस देखने को मिलता है। कर्नल जो है आपको सिल्टॉन का देखने को मिलता है। तो ये आपको इसके अंदर अबाउट फ़ोन में देखने को मिलता है। तो है गाइज, अब बात करते हैं इस रोम में कौन कौन से बग देखने को मिलते हैं। तो अभी तक तो मैंने कोई बग फेस नहीं किया है, जैसे कोई रैंडम रिबूट जैसे बग देखने को मिलते हैं, पर इस रोम में आपको रैंडम रिबूट का कोई भी इशू है जो आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस रोम का आप इंस्टॉल कर सकते हो, कोई बग मेरे को अभी तक देखने को नहीं मिला है। बाकी माइनर बग्स जो है आपको देखने को मिल सकते हैं, बाकी मुझे तो कोई बग ऐसा कोई इसमें देखने को नहीं मिला। रोम काफ़ी स्मूथ है, कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलती। हे गाइस, अब बात करते हैं इस रोम में गेमिंग की। तो गेमिंग इसके अंदर बिल्कुल स्मूथ हो रही है, मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है गेमिंग के अंदर। मैंने इसके अंदर पबजी जो मोबाइल है वो भी प्ले करके देखा है, और इसके अंदर मेरे को कोई लैग देखने को नहीं मिला गेमिंग के अंदर। और यहाँ पे आपको जो है HD सेटिंग्स आपको यहाँ पे पबजी में देखने को मिल जाएगी। तो गेमिंग के अंदर इसमें आपको कोई इशू आपको देखने को नहीं मिलेगी। थैंक यू।